मेरे पास एक वीडियो है जो संजू को खूनी साबित करने के लिए काफी है। वीडियो पेश किया जाए। कोर्ट में दिखाया गया राजीव के खिलाफ नकली सबूत। राकेश पहुंचा परी के पास। कलर्स टीवी शो परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे परी के पास राकेश के खिलाफ सबूत है। परी राकेश का वीडियो बना लेती है जिससे ये साबित होता है कि राकेश अभी भी जिंदा है और सबूत के तौर पर उस वीडियो को पेश करना चाहती है कोर्ट में। बट अनफॉर्चुनेटली परी का फोन डेड है। घर वाले कोर्ट की हियरिंग में पहुंच चुके हैं। चंद्रिका को परी बोलती है कि वो लेट से आएगी फोन को चार्ज करने के बाद। चंद्रिका बाकी घर वालों के साथ कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में राकेश का वकील एक फेक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में राजीव राकेश को धक्का देते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राजीव गुनहगार है और उसने ही राकेश को मारा है। वहीं दूसरी ओर परी के पास असली सबूत है, लेकिन परी के अंगूठी के वजह से राकेश ये समझ जाता है कि रात में राकेश के रूम में परी आई थी। अब घर में परी अकेली है। राकेश बंदूक के साथ परी के सामने मौजूद होता है। राकेश परी को परी की अंगूठी दिखाता है जिससे परी को समझ में आ जाता है कि इस अंगूठी के वजह से फंस गई है परी। ऐसे में अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वक्त पर कोर्ट में पहुंचकर परी दिखा पाएगी असली सबूत। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।